साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडल पेपर, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में मॉडल पेपर पूछे जाते हैं उसी पे है, जिनसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर में लिया गया है, जिनसे कि आप सभी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपका इधर ही झारखंड का पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उससे जो टफ हो सकता है मैंने वैसे ही लेने का कोशिश किया है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आप सभी को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 तथा गुणनफल 60 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि दो संख्याओं का योग मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया हुआ है 15, यही हो गया दो संख्याओं का योग, और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका दे दिया है मेरे दोस्त। एक संख्या मान लिया मैंने अल्फा और एक संख्या मान लिया बीटा, और उनका गुणनफल दिया हुआ है 60। तो बोलता है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे ए है तो इनका व्युत्क्रम होगा 1/a, अगर अल्फा है तो इनका व्युत्क्रम होगा 1/α में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन था आपका कि 1/α और 1/a का मान क्या होगा। तो वो अल्फा इंटू बीटा यानी ए इंटू बी का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त 60। आपसे पूछा क्या उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब कि 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। तो इनको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आपको आ रहा होगा अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आएगा, और अल्फा को अगर इसमें भगा दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। तो बीटा ऊपर में लिख दीजिए प्लस, अब बीटा से इस अल्फा इंटू बीटा में आप भागा देंगे तो आपका बचेगा अल्फा। तो मेरे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 15, और बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 60। तो अगर आप भागा देंगे तो आएगा 1/4। इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका ए 1/4 राइट आंसर हो गया। तो कोई भी प्रकार की क्वेरी यानी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे दोस्त, मेरे सर, मेरे गुरुजी, यहाँ मेरे को दिक्कत हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2 और -1/2 हैं। मूल का मतलब, द्विघात समीकरण जब ये बोलेगा तो उसमें मूल का मतलब होता है एक अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त 2, और अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है -1/2। तो देखिए, समीकरण बनाने के लिए जब भी बोलेगा तो समीकरण आपको फॉर्मूला याद होगा, 10th 9th में आप पढ़े होंगे, x² - α + β (x) + α (β) और बराबर में आप देंगे 0। तो x² - α + β, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान है -1/2। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, मैं कलर एक बार फिर चेंज कर लेता हूँ दोस्त, अगर बीटा को चेंज करोगे, क्या ये कलर दिख रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, या मैं दूसरा कलर लूँ, ये कलर आप सभी को मैच करेगा ये कलर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करोगे आप तो क्या होगा, उसमें 2 - 1/2 इनको ऐड करने पर, क्योंकि -1/2 है यहाँ मेरे दोस्त, ख्याल रखेंगे, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 × 2 4 में से 1 जाएगा, 3/2 आएगा, और यहाँ होगा एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा का जो मान है 2 × -1/2 बीटा का मान है, अगर इसको कट करोगे तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर में 0। अब देखिए, यहाँ तक आने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ तक आने के बाद आप करोगे क्या, यहाँ तक आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कि आगे आपको करना क्या है कि x² - यहाँ पर 3/2 है तो आपको 2 से सब में गुना कर देना है। 2 से अगर सब में गुना करोगे तो 3/2 के में भी 2 × 3/2 आएगा, ठीक। अब माइनस में इधर आएगा आपका, इसको हटा करके रखोगे तो इधर आएगा -2, क्योंकि 2 इसमें भी गुना कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x² - 3x, या माइनस होगा दोस्त, हाँ -3x - 2 बराबर में 0।
तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दिख रहा होगा 2x² - 3x - 2, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए वो क्वेश्चन सफिशियंट नहीं है आपके लिए, आप अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन टॉप मोस्ट, 1, 2, 3 यूनियन 2, 3, 4 का मान क्या होगा मेरे दोस्त। मतलब यूनियन जब भी बोलेगा आपको तो आपको क्या करना है, यूनियन में इसमें देखना है कि जैसे 1 है तो यानी सीरीज वाइज 1 है तो 1 के बाद क्या आया है 2, 2 के बाद कौन आया है 3, 3 के बाद कौन आया है 4, तो इसी तरीके से लिखना है, यानी कि दोनों सीरीज को आपको मिला करके लिख देना है। तो देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक में रहना चाहिए। 1 के बाद कौन आता है 2, 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी है, तो 2 को लिख दीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से थोड़ा दिक्कतें आ गई यहाँ पर। देखिए 1 मैंने क्या बोला, जब भी यूनियन आएगा तो आपको मिला करके लिखना है, 1 है तो 1 नहीं है, 1 उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हमको सिर्फ सीरीज वाइज लिखना है मेरे दोस्त। 2 है तो 2 को यहाँ पर लिख देना है, 3 है तो 3 को यहाँ पर लिख देना है, और 3 के बाद 4 आता है तो 4 इसमें है तो 4 को आपको लिख देना है कोमा में। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं मेरे दोस्त, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, आपके सामने दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो आप पहले करने का कोशिश करेंगे, इसके बाद बोलेंगे भाई साहब अब बता दो। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी, आपका ये इंटरसेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, इसलिए आप तो घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनियन में मैंने क्या बताया था कि 1, 2, 3, 4 लिख देना है, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है, जैसे अगर इसमें 1 है तो इसमें देखिए 1 है, नहीं है तो 1 को हटा दीजिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो 2 को लिख लीजिए इस बड़ा ब्रैकेट में, 3 इसमें है, नहीं है, 3 इसमें है, लेकिन चलिए जो भी चीज़ हो दोनों में हो, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, तो 2, 7 जो होगा इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मेरे दोस्त। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि f(x)(1+x²), तो इसका f3 का मान क्या होगा मेरे दोस्त। f3 का मतलब आप x की जगह पे आप क्या कर रखिए, 3 को रख दीजिए। अगर आप f के जगह पे x के जगह पे 3 को रखोगे तो आपका x की जगह पर भी 3 आएगा, अपॉन में 1+x की जगह पर यहाँ पर भी 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 3/9 कितना होता है 10, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप ये घबराएंगे नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा या नहीं जाता है, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कतें दे दी, सॉरी दोस्त, इनके लिए मैं खेद चाहता हूँ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 71 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके मैंने मॉडल पेपर से लिया है, जो सफिशियंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:1 है, तो इनकी कोरों की लंबाइयों में क्या अनुपात होगा। घन का आयतन मतलब एक घन ऐसा दिया हुआ है, इसी तरह से एक घन ऐसा दिया हुआ है, इनका घन का अनुपात, तो पहला वाला घन का अनुपात आप जानते होंगे, घन का अनुपात होता है भुजा क्यूब, और इनका भी घन का अनुपात क्या होगा, भुजा क्यूब, लेकिन इनका जो घन का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे दोस्त 64, और इनका घन का अनुपात दिया हुआ है 1। यहाँ पढ़ रहे होंगे क्योंकि 2 घनों का आयतनों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो अगर ए है, अगर आप क्यूब रूट को इधर हटाओगे तो इस सेट हो जाएगा 64 और उसका क्यूब रूट, फिर अगर ए इधर रहने देंगे फिर क्यूब को हटाओगे तो इस सेट आ जाएगा 1 और इस पर क्यूब रूट, तो आप 64 का अगर क्यूब करोगे, 64 का क्यूब मतलब 4 बार, इसका 64 का क्यूब करोगे तो इसको 4 बार लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन में, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन में। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, जैसे आपके दिए क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि क्यूब क्या होगा, था 1 क्यूब बराबर मैंने क्या किया 64 बराबर लिखा, और दूसरा घन आया था 1 क्यूब बराबर 1, ठीक, क्योंकि 2 घनों का आयतन दिया हुआ था। 1 अगर क्यूब करोगे तो इस आएगा 64, 64 का क्यूब मतलब 64 का क्यूब करो, 64 को भाग दो आप 2 से, तो 2 से भागा दोगे तो इस तरह से 4 का क्यूब आएगा, 4 का जोड़ा लगेगा और यहाँ पर क्यूब लेना है, तो क्यूब का मतलब होता है कि 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर निकल जाना, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, और इनका घन का आयतन का अनुपात करोगे तो इस सेट क्यूब दोगे 1 होगा तो 1 का मान आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 का मान आया 4 और यहाँ पर 1 का मान आया 1, तो जो भुजा का अनुपात होगा वो 4:1 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे होंगे आपको, फिर से दिखला देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी में आपके दिख रहे होंगे,
मतलब कि दो घन का आयतन, मतलब एक घन का आयतन एक क्यूब और दूसरे घन का भी आयतन एक क्यूब। इनका घन का आयतन 64 दिया हुआ था, इनका घन का आयतन 1 दिया हुआ था। आपको करना क्या था, इस क्यूब को इस पे हटा देना था और इस क्यूब को इस पे हटा देना था। तो 4 का क्यूब अगर करोगे तो 64 आता है, इसके मतलब 4 लिख दिए और 1 का क्यूब मतलब 1 आता है। तो 4:1 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज आप जान रहे होंगे कि दो समांतर भुजाएं होती हैं। इसी तरह से एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक दिया हुआ है 8 और एक दिया हुआ है 6 और इनके और एक विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये विकर्ण दिया हुआ है कितना, तो 12। तो इसी तरीके से हम विकर्ण इधर ले लेते हैं तो ये विकर्ण दिया हुआ था। अगर फिर हम दूसरा विकर्ण इधर से डालेंगे तो ये चले आएगा, यहाँ 90 डिग्री काटेगा, ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 6, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, दो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 8, ये 6, तो ये कितना दिया हुआ है टोटल, ये विकर्ण दिया हुआ था 12, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दो बराबर भागों में काटेगा, ये 6 और ये 6। यहाँ अगर 90 डिग्री बनाया तो ये हो गया आपका क्या P और ये हो गया आपका B और ये हो गया H, मतलब इस तरह से 90 संपूर्ण कोण जानते हैं आप। ये 90 डिग्री बनाया, ये 8 था, ये आपका B दिया हुआ था और ये 6। तो आप अगर B का मान निकाल लोगे, इसका मान निकाल लोगे आप, इसका फिर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं दूसरा कलर से, इसका मान अगर आप निकाल लोगे तो आपको पता हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं निकालने चाह रहा हूँ B का मान क्या होगा कि रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 माइनस, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर पी का एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 36। तो 64 में से अगर 36 को घटाओगे आप तो यहाँ आएगा 28 और 28 को आप अगर तोड़ोगे तो 2√7 आएगा, यानी कि आधा का मान हो गया 2√7। मैं एक बार फिर से दिखला देता हूँ, ये समांतर चतुर्भुज था आपका। समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर एक डायगनल इधर बनता था, एक डायगनल इधर, तो इसका जो आधा मान था वो हो गया 2√7। तो ई जब आधा 2√7 है तो इधर भी क्या होगा, 2√7 ही होगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, एक डायगनल 4√7। और इधर कितना दिया हुआ था मेरे दोस्त, इधर दिया हुआ था, तो अब डायगनल समांतर चतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होता है वो होता 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन का मतलब हुआ कि एक डायगनल और दूसरा डायगनल, तो 1/2 इंटू एक डायगनल का मान दिया हुआ है 4√7 और दूसरे डायगनल का मान दिया हुआ है आपके आपको सामने दिख रहा होगा कि 12 दिया हुआ था। यहाँ देखिए एक विकर्ण यहाँ दिया हुआ था आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 2 से अगर काटोगे इसको तो 2 आएगा, तो 12 × 24√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर पॉइंट में सॉल्व करना होगा तो आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि 24√7 दिया हुआ था। अगर आप इसका रूट का मान हटाओगे तो ये चले आएगा, क्योंकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम इस तरह से नहीं देगा, 24√7 ही डायरेक्ट लिख देगा। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो आज के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देना चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए।